हाय गाइस, दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के सर्च। दोस्तों आज क्या हाईलाइट है, 263 ओडी मैच जो कि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया बीच खेला जा रहा है। दोस्तों इंडिया ने पहले फील्डिंग करते हुए यहां पे ऑस्ट्रेलिया की पहले इनिंग 269 रन बनाए थे। यहां पे 270 का मिला टारगेट यहां पे इंडिया टीम को। दोस्तों चेन्नई में खेला जाने वाला यह तीसरा ओडी मैच जो कि आज इंडिया में वर्सेज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टीम ऑफ इंडिया का है। दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच का मुकाबला। दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने 30 ओवर का गेम खेल कर चुका है, अभी 140 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे इंडिया 140 रन की जरूरत है यहाँ पे 22 ओवर में। दोस्तों इससे आज का मैच 270 रन का टारगेट है। यहाँ पर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के मुकाबला चेन्नई में तीसरे मुकाबला खेला जाने वाला है। मुकाबला आज का शानदार होने जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों इंडिया ने पहले फील्डिंग की, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का 270 का टारगेट। दोस्तों इंडिया को मिला 270 टारगेट यहाँ पे 250 ओवर मैच में। तो यह बात करें रोहित शर्मा कैप्टन, दोस्तों आज कैप्टन की शुरुआती पारी 30 रन की खेली। यहाँ पे 17 गेंदों में 30 रन बनाए, शानदार परफॉर्म। दो चौके जड़े थे, 147 से खराब गेंद आउट की और स्टार्ट ने कैच लगा। और यहाँ पे रोहित शर्मा आज 30 रन बना के अपने विकेट लिया है। 17 गेंद 30 रन में शानदार परफॉर्म कैप्टन रोहित शर्मा द्वारा। शुभमन गिल की बात की, दोस्तों शुभमन गिल 37वीं पारी खेली। यहाँ पे 49 गेंदों में 4 चौके और एक छक्का लगाए थे। यहाँ पे 75.21 की स्टाइल बनाए थे बल्ले से शुभमन गिल। दोस्तों आज जंपर गेंद पे लेग बाय विकेट हुए, 37 रन पर विकेट हुआ। यहाँ पर 49 गेंदों में 37 रन में। यहाँ पे 230 की पारी 17 गेंदों में। यहाँ पे रोहित शर्मा द्वारा शानदार पारी। दूसरे यहाँ पे शुभमन गिल 36वीं पारी 49 गेंदों में 37 रन बनाए। यहाँ पे 4 चौके एक छक्का लगाया था। 75.51 रही उनकी स्ट्राइक। दूसरे बोर्ड स्ट्राइक गेंद पे रोहित शर्मा कैप्टन 30वीं पारी खेली। 17 गेंद 30 रन बनाए। यहाँ पे इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया बीच मुकाबला तीसरा ओडी मैच जो कि चेन्नई में खेला जा रहा है। दोस्तों आज इंडिया को 270 का मिला टारगेट। शानदार परफॉर्म हार्दिक पांड्या द्वारा। कुलदीप यादव द्वारा शानदार विकेट लिए थे उस मैच में। यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था हार्दिक पांड्या द्वारा पिछले मैचों में। बात की थी हार्दिक पांड्या की शानदार बॉलिंग हुई यहाँ पे, वो 200 रोक लिया था ऑस्ट्रेलिया टीम को और शानदार पारी खेली रोहित शर्मा और शुभमन गिल द्वारा। दोस्तों विराट कोहली की दोस्तों बात करें, यहाँ पे नॉट आउट है भी 45 रन बना चुके, 52 गेंदों 45 रन। यहाँ पे 2 चौके एक छक्का लगा चुके हैं। यहाँ पे 86.53 नॉट आउट है मौजूद है। केएल राहुल विकेट कीपर के साथ जंपर गेंद पे एबोट के चलता और 32 रन पर विकेट जो है 50 गेंद 32 रन बनाया था। 2 चौके आए थे बल्ले से, एक छक्का लगा था 64 के भी स्ट्राइक। जंपर का शानदार परफॉर्म, जंपर लगातार विकेट लिए हैं, बैक टू बैक विकेट गिरे हैं। जंपर द्वारा अच्छा परफॉर्म यहाँ पर इस मैच में। केएल राहुल दूसरा 32 आउट हुए। शुभमन गिल 30 रन आउट हुए। रोहित शर्मा सभी बल्लेबाजी की शानदार पारी खेली। सोते अच्छे इनिंग की शुरुआत तौर पर अच्छे बड़े स्कोर खेले मूड में थे बल्लेबाज। आज और एक के बाद एक बैक टू विकेट 3 विकेट गिर चुके हैं। 146 रन बने हैं यहाँ पे 27 ओवर समाप्त। यहाँ पे 20 ओवर की पारी बाकी है। 5.24 चली इनकी 100 भारतीय टीम की। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और वर्सेज इंडिया के बीच का मुकाबला तीसरा ओडी मैच है जो चेन्नई में जाने वाला है। यहाँ पे 270 मिले टारगेट। यहाँ पे दोस्तों विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी 45 रन की। यहाँ पे 252 गेंदों 45 रन बना चुके हैं। यहाँ पे 2 चौके और एक छक्का लगा चुके हैं इस मैच में। बहुत ही अच्छा परफॉर्म हुआ इस मैच में। 86.3 इनकी रही इनकी स्ट्राइक। और दोस्तों विराट कोहली 45 रन पर बत्तीस मौजूद है। के अलावा दोस्तों की विकेट कीपर दोस्तों जंपर गेंद बोर्ड ने कैच लगा और 32 रन की पारी खेली। 50 गेंद 32 रन बना चुके हैं इस मैच में। एक्स्ट्रा में 2 रन मिले हैं और तरफ से 146 की पारी हो चुकी है 3 विकेट नुकसान पर। के राहुल रोहित शर्मा सुमन के लिए विकेट गिरे हैं 3 विकेट 30-35 रन पे 16 रन की पारी खेल के आउट हुए बल्लेबाज। 45 पारी खेल चुके हैं अभी तक। दोस्तों बात करें बैटिंग की तो पहले बात करते हैं 4 विकेट की। 65 थे पहला विकेट रोहित शर्मा का 10 ओवर पहले गेंद पे। 77 दूसरा विकेट सुमन गिल का 13 ओवर गेंद पे। 96 दूसरा विकेट के राहुल का 28 ओवर 5 गेंद पे। दोस्तों यहाँ पर ए टू बैटिंग सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने उतरेंगे। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव अच्छा परफॉर्म, यहाँ पे हार्दिक पांड्या का भी अच्छा परफॉर्म हो सकता है। यहाँ पे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव अच्छा परफॉर्म करने यहाँ पे बल्लेबाजी करने उतरेंगे। दोस्तों यहाँ बात करने वाले अपन बैटिंग की, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने उतरेंगे। धुरंधर बल्लेबाज
दोस्तों मैं भी देखा था विराट रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और के एल राहुल का परफॉर्म। तो ये बात करें बॉलिंग परफॉर्म किस तरह देखी, उस टाइम का म्यूचुअल स्टार 206 ओवर आ रहे, उन्होंने 45 रन देखे, 7/50 इकोनॉमी, एक बैटिंग रैली। मार्कस स्टोन 206 ओवर 20 रन, 3/33 इकोनॉमी, यहाँ पर अच्छा परफॉर्म यहाँ पर बोले म्यूचुअल स्टार 6 ओवर 45 रन, 7/50 इकोनॉमी। मार्कस स्टोन 6 ओवर 20 रन, यहाँ पर दोस्तों 3/33 इकोनॉमी। यहाँ पर दोस्तों यहाँ परफॉर्म अच्छा रहा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बीस मुकाबला, म्यूचुअल स्टार 6 ओवर 45 रन, 7/50 इकोनॉमी। मार्कस स्टोन 6 ओवर 20 रन दिए यहाँ पे, 3/33 इकोनॉमी, एक रन की रैली। सीन बोट 3/70 रन एक विकेट। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच का मुकाबला शानदार है यहाँ पे, बल्लेबाज अच्छी रही, इस तरह से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीच तीसरा ओडी मैच यहाँ पे खेला गया। मार्कस स्टोन का अच्छा परफॉर्म यहाँ पे 6 ओवर में 20 रन, 3/33 इकोनॉमी। सीनी बोट 3/70 रन एक विकेट, 5/66 इकोनॉमी। अदम जम्पा 200 अच्छा परफॉर्म, 7 ओवर डाला उन्होंने, 2 विकेट लिए, 5/70 इकोनॉमी। एस्ट्रो जगह 206 ओवर में 27 रन, 4/50 इकोनॉमी। यहाँ पे वाइट के बारे में चल रहा है मैच में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीच का मुकाबला। दोस्तों अगर 6 ओवर में 27 रन, 4/50 इकोनॉमी। जम्पा का अच्छा परफॉर्म, 2 विकेट लिए, यहाँ पे के एल राहुल, शुभमन गिल कुल तो अच्छी तरह से बॉलिंग करते हैं, एक विकेट। इसमें गेंदबाज चला परफॉर्म, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीच का मुकाबला तीसरा ओडी मैच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिल चुके अभी इंडिया नुकसान पर, वीडियो को लाइक करें, तभी तक चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।